बहुत अच्छे की है। गरीब बंदा दो वक्त की रोटी नहीं खा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह एक ऐसी शख्सियत जिसने इस कौम को शोर दिया कि दुनिया व माफिया से बढ़कर आका अलैहि सलातो व सलाम की इज्जत व नामूस है, जिसने इस मुल्क की मोहब्बत भी सिखाई और इस मुल्क के बनने का मकसद भी बताया, जिसने बताया कि अहले बैत उज़्ज़ाम का अदब किसे कहते हैं और सहाबा कराम की मोहब्बत किसे कहते हैं। आदम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह का एक कारकुन क्या कहता है, जरा उसकी जुबानी ही सुन लीजिए। बहुत अच्छे की है। गरीब बंदा दो वक्त की रोटी नहीं खा सकता। लेकिन गरीब बंदा दो वक्त की रोटी नहीं खा सकता, लेकिन अली के दौरे हुकूमत में लोग तीन तीन वक्त की, चार चार वक्त की रोटी खाएंगे, ऐसे ही है। ये तो मैं रोटी की बात नहीं करता, अल्लाह देने वाला है, बस बंदा सुधारता है। जैसे आप मैं डॉक्टर की ये अल्लाह ताला ने शफा डाली है ना हाथ में, जान बचाने वाला है वो एक फरिश्ता है, वैसे वजीर आजम भी अल्लाह ताला ने एक जैसे कोई भी वजीर आजम हो अल्लाह ताला उसको आजमाता है कि वो मेरी कौम के लिए क्या करता है। बिल्कुल, वाह, अली ने जैसी बातें की अभी तक मेरे ख्याल में किसी ने भी। करता हूँ ताजदार खत्म नबूवत खादिम रिजवी साहब को, वो हमारी स्पेशल टीम है, जब भी मैंने देखा ना उनके साथ हमेशा। आपने इतना बाशऊर बच्चा इससे कबल कभी ना देखा होगा। राह चलते बच्चे की बातें सुनकर एंकर भी एक बार हैरान और परेशान रह गई और उसे भी इकरार करना पड़ा कि ऐसी बातें तो इसके अलावा किसी ने भी नहीं की। यह है वो सियासी शऊर जो कौमों को कौम बना कर रखता है, वरना तो कौमें किसी हजूम का नाम ही होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नजूल हो खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह की कब्र अनवर पर। अल्लाह हमें उनके रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।